हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। नॉलेज विथ मोटिवेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में जानते हैं? दोस्तों, यह भी एक प्रकृति का नियम है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इस नियम से अनभिज्ञ हैं। वे इस नियम के बारे में नहीं जानते। तो दोस्तों, अगर आप भी इस नियम के बारे में, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसका हिंदी में अर्थ है आकर्षण का नियम, के बारे में नहीं जानते हो, तो आप हमारा यह वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी वह सब कुछ जो आप पाना चाहते हो या जो आपका ड्रीम है, चाहे वो कुछ भी हो, आप पा सकते हो। तो दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर क्या है यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कैसे हम इसके द्वारा वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को अप्लाई करने से पहले आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अगर ये 3 स्टेप्स आप फॉलो नहीं करोगे, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस का सही यूज़ नहीं कर पाओगे और उन चीज़ों को अपनी ओर नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे जिनको आप पाना चाहते हो। चलिए जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कैसे काम करता है। अलादीन और उसके चिराग की कहानी तो आपको याद होगी। जब अलादीन चिराग के ऊपर जमी हुई धूल को साफ करता है, तो उसके अंदर से एक जिन्न तुरंत बाहर निकल आता है और वह जिन्न हमेशा एक ही बात दोहराता है, क्या हुक्म है मेरे आका। दोस्तों, आज हमारे पास कोई भी जिन्न नहीं है जो हमारी इच्छा को पूरा कर सके, लेकिन हमारे पास एक ऐसी चुंबक है जिसके द्वारा हम हमेशा कुछ ना कुछ हमारी ओर आकर्षित कर ही रहे हैं, चाहे वह वस्तु अच्छी हो या बुरी, बस हमें सही ढंग से मांगना नहीं आता। आज के इस युग में हमारे लिए हमारा जिन्न यही आकर्षण का नियम है, जो हमेशा हमें कुछ ना कुछ दे ही रहा है। दोस्तों, प्रकृति के सभी नियमों की भांति यह भी एक नियम है, जिसका सही इस्तेमाल करके हम जीवन में वह सब कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। हम चलते फिरते टावर हैं। हम जो भी सोचते और बोलते हैं, हम वही वस्तु अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कई लोग हमेशा खुद को गरीब मानते हैं और हमेशा यही सोचते रहते हैं कि उनकी किस्मत में गरीबी ही लिखी है। वे हमेशा अमीर आदमी को देख कुछ दूरी बना लेते हैं तो खुद को हीन व लाचार समझते हैं। वे यह नहीं जानते कि वह ऐसी मानसिकता को रखकर खुद अपनी ओर गरीबी व लाचारी को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम जो कुछ भी सोच व बोल रहे हैं, उस परिस्थिति या वस्तु को हम क्रिएट कर रहे हैं। हम सभी चलते फिरते चुंबक हैं। दोस्तों, यह वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा ज़रूर हो, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है कि आप उसे पूरा देखें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन महसूस करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 स्टेप्स शेयर करूँगा। अगर आप उन 3 स्टेप्स को अपने जीवन में फॉलो करेंगे, तो हो सकता है आपके लाइफ चेंज हो जाए। तो चलिए जानते हैं वे 3 स्टेप्स कौन सी हैं। पहली स्टेप्स है मांगना। पहली स्टेप्स यूनिवर्स या ब्रह्मांड से मांगना है। बस आपको जो भी चाहिए, उसका ऑर्डर आप ब्रह्मांड को दे दीजिए। फिर यह ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करना शुरू कर देगा। आपको जो भी चाहिए, उस वस्तु का नाम एक कागज पर लिखें और इस तरह लिखें मानो वह वस्तु जो भी आप चाहते हो आपको मिल गई है। आपको यह चुनाव करना होगा कि वास्तव में आपको क्या चाहिए। अगर आपकी इच्छा स्पष्ट नहीं है, तो हो सकता है आपको बेटर रिजल्ट ना मिले। जिंदगी में पहली बार यह सोचें कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। मांगना पहली स्टेप है, इसलिए जो भी आप चाहते हैं वह मांगने की आदत डाल लें। आपको इस प्रोसेस पर डाउट या शक नहीं होना चाहिए। आपका काम खाना खाना है, न कि उसे पचाना। बस आप इस ब्रह्मांड से कुछ भी मांग कर उस पर छोड़ दें। दूसरी स्टेप है यकीन करें। दूसरी स्टेप यकीन करना है। आपको इस बात पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि जो भी आपने इस ब्रह्मांड से मांगा है, वह वस्तु आपको मिल चुकी है। आप हर पल उसी एहसास में रहें। आपको इस बात पर पूरा विश्वास होना चाहिए। आपको इस अदृश्य परंतु वास्तविक नियम पर विश्वास करना होगा। आपने कभी ऑनलाइन ऑर्डर किया होगा,
ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद आप भूल जाते हैं और तसल्ली से बैठ जाते हैं और आप इस बात पर पूरा यकीन रखते हैं कि जो भी वस्तु आपने ऑनलाइन ऑर्डर की है वह आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप भी इस ब्रह्मांड को एक ऑनलाइन शॉप समझ सकते हैं। बस यहाँ फ़र्क इतना है कि आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ता, बस यकीन करना पड़ता है। मान लो आपने कोई स्मार्टफोन इस ब्रह्मांड से ऑर्डर किया है तो खुद को वो स्मार्टफोन ऑपरेट करता हुआ देखें जो स्मार्टफोन आपको चाहिए। कल्पना करें कि वह वस्तु आपकी हो चुकी है, बस आपको इतना ही करना है। आपको यह नहीं कहना कि वह वस्तु मुझे मिलेगी या नहीं, नहीं तो आप उस वस्तु के न मिलने को अट्रैक्ट कर लेंगे और वह वस्तु आपको नहीं मिलेगी। इसलिए यकीन करें और पालें। स्टेप नंबर 3, पाएं। इस प्रोसेस की तीसरी और आखिरी टिप है पाना। आप उस वस्तु के बारे में जो भी आप पाना चाहते हो उस वस्तु के बारे में अच्छा सोचें। आपको इस प्रोसेस के दौरान ऐसा ही सोचना है मानो वह वस्तु आपको मिल चुकी है। इसे अभी इसी वक्त महसूस करें। इस पाने की प्रोसेस के दौरान आपको खुश रहना है क्योंकि आप जो भी वस्तु पाना चाहते हैं वह वस्तु आपकी खुशी से संबंधित है। इसलिए अगर इस प्रोसेस के दौरान आप अच्छा फील नहीं करेंगे तो आप उस वस्तु को खुद से दूर कर लेंगे। मानो आपने कोई कार मांगी तो कार मिलने पर कोई व्यक्ति दुखी थोड़ी ना होगा, खुश ही होगा। इससे यह पता चलता है आपकी कार खुशी की फ्रिक्वेंसी पर मौजूद है, गम की फ्रिक्वेंसी पर नहीं। और अगर आप इस ब्रह्मांड को कार पाने के लिए गम की या दुख की फ्रिक्वेंसी भेजेंगे तो भला आप कार कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसीलिए इस प्रोसेस के दौरान आपका अच्छा फील करना और खुश रहना बहुत ज़रूरी है। इस तरह इस प्रोसेस के दौरान आपको जो भी आप पाना चाहते हो उस वस्तु का एहसास व खुशी दोनों को फील करते रहना है, तभी आप उस वस्तु को अट्रैक्ट कर पाएंगे जो भी आप पाना चाहते हो। तो दोस्तों, यह थी आज की इस वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 3 स्टेप्स, जिसके माध्यम से आपने जाना कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा हम किसी भी वस्तु को कैसे अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से संबंधित एक बहुत ही बढ़िया बुक है जिसका नाम है द सीक्रेट। यह बुक हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। यह बुक आपको बताती है कि कैसे एक महान रहस्य से हम अब तक अनजान थे। तो अगर आप यह बुक खरीदना चाहते हो तो बुक की बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर यह बुक खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे कनेक्ट विद अस।